नमस्कार दोस्तों, सुषमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का निमूना। ये सर्दी के मौसम में बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो इससे पहले मैं आपको रेसिपी बताऊं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए सामान देख लेते हैं। मैंने 1 किलो मटर लिया है, फ्रेश मटर ली है जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। 1 मीडियम साइज आलू लिया है जिसको मैंने डाइस कर लिया है। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। मसाले देख लेते हैं। 1 चुटकी मैंने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चुटकी मैंने हींग लिया है, 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 2 तेज़पत्ता लिया है, 1 मैंने मीडियम साइज टमाटर को काट लिया है बारीक, 1/2 कली मैंने लहसुन छील के साफ कर ली है, 1 इंच मैंने अदरक लिया है, कुछ मैंने बारीक धनिया काट लिया है और 1 चम्मच मैंने घी लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसे गर्म कर लिया है। इसमें हम अब सरसों का तेल डालेंगे। एक चम्मच ही डालेंगे, बड़ा चम्मच, क्योंकि हमें इसमें आलू फ्राई करना है। तेल हम गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम अपने आलू फ्राई करेंगे। डाल देते हैं आलू को। तेज आंच पे ही हमें इनको फ्राई कर लेना है हल्का। देखिए जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अपने लहसुन और अदरक को कूट लेते हैं। देखिए हमारे आलू फ्राई हो गए हैं और हमने लहसुन अदरक को भी कूट लिया है, तो लहसुन अदरक को हम साइड में रख देंगे और गैस बंद करेंगे। आलू को हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें सरसों का तेल डाला है। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम अपना लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। हल्का सा भूनना है। अब इसमें हम अपना प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। इसको अब हम भूनेंगे हल्का लाइट ब्राउन होने तक। जब तक ये हमारा भुन रहा है तब तक हम अपने मटर पीस लेते हैं। देखिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम अब मटर डालेंगे। सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। हमें एकदम दरदरा पेस्ट चाहिए, हम बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे इसमें, बस एक बार जरा सा मिक्सी को हम चलाएंगे। देखिए मटर को हमने पीस लिया है। देखिए एकदम पास दिखाई देती हूँ, एकदम दरदरा हमने पीसा है। इसमें हल्के हल्के मटर आपको खड़े दिख रहे होंगे, तो इसी तरह से हमें पीसना है। चलिए अपने प्याज देख लेते हैं। देखिए प्याज भी हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, तो इस पर हम पिसा हुआ मटर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम अपने आलू डाल देंगे, मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल जरा सा इसमें हल्दी जाता है नाम मात्र, मिर्ची पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, नमक हम बिल्कुल स्वाद के अनुसार नहीं डालेंगे इसमें, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें स्वाद के अनुसार नहीं डालेंगे। इसमें मीठा नमक जाता है तो उसी के अनुसार हम डालेंगे, जो निमूना हमारा होता है उसमें मीठा नमक डलता है, ज़्यादा नमक नहीं डलता है। और टमाटर भी डाल देंगे इसमें। अब इसको हमें धीमी आँच पे भूनना है बीच बीच में चलाते हुए। इसी तरह से हम इसको
बीच बीच में चलाते हुए भुनेंगे जब तक हमारे मटर और ये सब अच्छे से भुन ना जाए, इनका कलर चेंज हो जाएगा भुनने पे। ये देखिए मुझे भुनते भुनते लगभग 10 मिनट हो चुका है, इसका कलर चेंज होने लगेगा ये देखिए, और जो ये है मटर एकदम अलग अलग हो जाएगा। बहुत इसको भुनना होता है अच्छी तरह से हमें, तब इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। हम पहले इसको धीमी आंच से भून रहे थे, अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे हम लगातार। देखिए मुझे 10 मिनट हो गया है अपने निमोने को भूनते भूनते, और मैंने इसको धीमी आंच पे ही भुना है, तो अब इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। गैस थोड़ी सी तेज कर देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए इसको हम भूनेंगे। अब देखिए हमारा निमोना भुन गया है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से, ये देखिए मिक्स कर लेते हैं इसको। अब इसमें हम पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और पानी डालेंगे और पानी डालेंगे इसमें थोड़ा, गैस तेज कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा ही रखते हैं, बिल्कुल पतला नहीं रखते हैं, थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें। लगभग मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला होगा। अब इसको हम तेज आंच पे 5 मिनट के लिए उबाल आने तक पकाएंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे। ढक्कन हटा लेते हैं, 5 मिनट हो गया है, देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। ढक्कन फिर से लगा देंगे हम और गैस को धीमा कर देंगे, 5 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको ढक के हम। देखिए 5 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा लेते हैं और इसमें अब धनिया पत्ती हम डाल देते हैं और थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए, मिला लेते हैं इसको। ये देखिए इसको हम साइड रख देंगे और अपने छौंके की तैयारी करते हैं। देखिए मैंने छौंके के लिए एक छोटा सा पैन चढ़ाया है, गैस धीमा कर देंगे और इसमें घी डालेंगे, घी को गर्म कर लेंगे अच्छे से। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें तेजपत्ता डाल देंगे, देखिए इस तरह से अच्छे से तेजपत्ते का से महक आ जाना चाहिए। देखिए इस तरह से जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, अब इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने बचा लिया था। अब थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे प्याज को धीमी आंच पे ही, देखिए हमारा ये छौंका तैयार हो गया है। गैस बंद करेंगे और यहाँ पे अपना निमोना लाएंगे और इसमें हम आराम से बहुत आराम से छौंका डाल देंगे, बहुत आराम से करिएगा। ये देखिए इस तरह से ढक्कन हटा देंगे और इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से, और इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इसकी जो महक है वो अंदर ही अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसको हम सर्व करेंगे और हमारा निमोना बनके तैयार है। देखिए मैंने अपने निमोना को कढ़ाई में प्लेट कर लिया है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप बनाएंगे तो, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसको जरूर बनाइए अपने घर पे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।